चलिए करते हैं स्टार्ट। आज बात करेंगे कि अपने इसके अंदर 2D जो है ऑब्जेक्ट्स हैं वो किस तरह से क्रिएट करेंगे, यानी कि अभी तक आपने जो भी मॉडलिंग की है 3ds Max के अंदर, वो सारी मॉडलिंग जो आपने इसमें बने बनाए ऑब्जेक्ट्स थे, ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स के अंदर, एक्सटेंडेड प्रिमिटिव्स के अंदर जो है ऑब्जेक्ट्स है, इसके अंदर बने बनाए ऑब्जेक्ट्स थे और अपन ने इसको यूज किया था, ठीक है। कंपाउंड ऑब्जेक्ट से अपन ने कटिंग वगैरह कर ली, डोर्स बना ली, विंडोज बना ली, स्टेयर्स बना ली, ठीक है। AEC एक्सटेंडेड के अंदर अपन ने रेलिंग भी बना ली, ठीक है। इसके अलावा जो फॉलियस वगैरह ट्रीज वगैरह यूज करने के लिए वो चीजें बना ली। अब आपको कोई इस तरह की शेप से जो आपको खुद क्रिएट करनी होती है, ठीक है, पहले 2D बना के और फिर उसको 3D में कन्वर्ट करना होता है, तो वो इमेजेस किस तरह से क्रिएट करेंगे उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। यहाँ आपका जो पहला ऑप्शन आता है ज्योमेट्री का, ठीक है, इसके बारे में अपने मोस्टली अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड जो जो चीजें हैं वो सारी स्टडी कर ली है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अपना आता है शेप्स। शेप्स पे मैं क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पे इस तरह की सारी 2D शेप्स ओपन हो जाती है, लाइन, सर्किल, रेक्टेंगल, एलिप्स, इस तरह की ये सारी कमांड्स यहाँ पे ओपन हो गई, ठीक है। तो सबसे पहले लाइन के बारे में बात करते हैं। अब 2D में जब भी आप काम करोगे, ध्यान रखना आप प्रस्पेक्टिव व्यू में काम नहीं करना, आपने को कोई भी टॉप व्यू में काम करना है, टॉप व्यू में या लेफ्ट व्यू में, राइट व्यू में, इस तरह से काम करना है। तो मैं टॉप व्यू में ले लेता हूँ, टी प्रेस कर दिया मैंने टॉप व्यू के लिए, ठीक है। यहां से आपने लाइन लिया, लाइन लेने के बाद आप यहाँ पे नीचे देखो क्रिएशन मेथड इसका आ रहा है कि लाइन को किस तरह से क्रिएट करना है। इसमें क्रिएशन मेथड में आ रहा है आपका कॉर्नर आ रहा है इनिशियल टाइप में और ड्रैग टाइप के अंदर आ रहा है स्मूथ, ठीक है। मान लो मैं दोनों को अगर कॉर्नर पहले, इसका मतलब समझो क्या है, इनिशियल टाइप यानी कि अगर आप लाइन में क्या करते हो, अगर मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, ठीक है, इनिशियल टाइप तो कॉर्नर चल रहा है, देखो कॉर्नर बन रहे हैं इस तरह से, ठीक है। अब ड्रैग टाइप मतलब यहाँ पे मैं क्लिक नहीं करके इसको प्रेस करे हुए हूँ, ठीक है, लॉन्ग प्रेस करूँ, ड्रैग करूँ इसको, तो देखो क्या होगा, ये इस तरह से स्मूथ बन जाएगा, ठीक है। तो इनिशियल टाइप मतलब ओनली क्लिक से तो आपका क्या हो रहा है, कॉर्नर बन रहा है और ड्रैग से आपका स्मूथ बन रहा है, ठीक है। इसके अलावा आप चाहो तो इससे भी स्मूथ को कर सकते हो, अगर आप यहाँ पे स्मूथ कर देते हो तो देखो ये डायरेक्टली स्मूथ ही बनेगा, ओनली क्लिक से भी आपका स्मूथ बन रहा है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर एक बीजियर का भी ऑप्शन आता है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे ड्रैग करके रखा तो देखो ये बीजियर हो गया। बीजियर में यहाँ पे जो कंट्रोलिंग होगी, वर्टेक्स तो आपका फिक्स हो गया, कंट्रोलिंग देखो वर्टेक्स से पहले और बाद में कंट्रोलिंग हो रही है, वर्टेक्स की कंट्रोलिंग नहीं हो रही है, दो पॉइंट्स कंट्रोल हो रही है, वर्टेक्स से पहले भी कंट्रोल हो रहा है, वर्टेक्स के बाद भी कंट्रोल हो रहा है, ठीक है। इनके बारे में अभी डेप्थ के अंदर बात करते हैं सब चीजों के बारे में। पहले आपको थोड़ा आइडिया देता हूँ कि 2D से किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने ट्राई करते हैं तो ऑब्जेक्ट किस तरह से अपने बना सकते हैं। जैसे अभी लाइन कमांड आपने लिया, सबसे पहले आपको ये समझना है कि स्ट्रेट लाइन को किस तरह से बनाते हैं। इसके अंदर लाइन कमांड मैंने लिया, एक क्लिक यहाँ पे कर दिया, अभी आपकी लाइन कहीं पे भी जा रही है। अब मैं क्या करूंगा, शिफ्ट को प्रेस किए हुए रखूंगा, ये देखो ये अभी आपका बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है, ठीक है, प्रेस किए हुए रखा मैंने, देन यहाँ क्लिक कर दिया, ठीक है, सॉरी आपका वहां पे अपने चेंज नहीं किया, देखो लाइन पे अपने जब क्लिक किया तो यहां से आपका ये कॉर्नर टाइप करो और इसको स्मूथ कर लो या जो भी आपको रिक्वायर्ड है उसको कर लो। अब दोबारा से स्टार्ट करो, यहां मैंने क्लिक किया, शिफ्ट को प्रेस किए रखा, ये देखो लाइन आपकी स्ट्रेट जा रही है, देन यहां पे मैंने क्लिक किया, यहां पे आपकी लाइन स्ट्रेट आ रही है, देन मैंने यहां पे क्लिक किया, ये आपकी स्ट्रेट आ गई लाइन, देन यहां मैंने क्लिक किया, ठीक है। अब मान लो आपको यहां पे राउंड में चाहिए, ठीक है, तो इसको प्रेस करके रखना है, अपने को प्रेस करके रखेंगे तो वो स्मूथ में आ जाएगा और इस तरह से मेरे को राउंड चाहिए, कितना राउंड चाहिए उस हिसाब से इसको एडजस्ट कर दिया और यहां पे मैंने पॉइंट क्लिक कर दिया। अब इसके बाद मेरे को वापस स्ट्रेट लाइन चाहिए तो शिफ्ट प्रेस किया मैंने, स्ट्रेट लाइन आ गया मेरा, देन अगेन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, देन आपको इस तरह से, ये मैं एक्चुअली पार्क की बेंच बना रहा हूं उसको ट्राई कर रहा हूं मैं। अब यहां पे आपने क्लिक किया और प्रेस करके रखा ड्रैग के साथ तो इस तरह से मैंने इसको ये कर दिया, ठीक है। यहां पे एक और क्लिक कर दो, जितना ज्यादा वर्टेक्सेस लोगे उतनी ज्यादा कंट्रोलिंग होगी आपकी इस पे, यहां से इस तरह से मैंने कर दिया, यहां मैंने क्लिक कर दिया, देन यहां पे क्लिक करोगे तो वो पूछेगा क्लोज एसपी लाइन, इसको यस कर देना है, ये मैंने यस कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से मेरा ये बन गया है, ठीक है। अब आपको यहां पे
इसको 3D के अंदर चेंज करना है तो यहां मैं मॉडिफाई के अंदर जाऊंगा और यहां पे आपको लेना है एक्सट्रूड। एक्सट्रूड मैंने कमांड ली, एक्सट्रूड पे क्लिक किया तो पर्सपेक्टिव व्यू में आए तो देखो ये यहां पे कुछ इस तरह से बन गया। एक्सट्रूड की कुछ वैल्यू दे रहा हूं, तो इस तरह से एक्सट्रूड हो रहा है, ठीक है। अब यहां से इसको मैं एंगल स्नैप ऑन करके और इसको 90 डिग्री पे रोटेट कर लेता हूं। 90 डिग्री किया एंटर मैंने, देन यहां से एंगल को पकड़ा और इसको 90 पे रोटेट कर लिया, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से आपका क्रिएट हुआ है। अब इसको मैं इस तरह से कॉपी कर लेता हूं, शिफ्ट के साथ मैंने इसको कॉपी कर लिया, ये आपका कुछ ऐसा क्रिएट हो गया, ठीक है। अब इसके ऊपर मेरे को यहां पे बेंच बनानी है इसकी, ठीक है। तो यहां पे मैं बॉक्स ले लेता हूं, और बॉक्स को इस तरह से क्रिएट करता हूं, कुछ हाइट दे दी आपने इसकी, दो कॉपीज और मैं यहां कर लेता हूं। पहले आप इसकी कॉपी मत करो, एक्चुअली आप इसके अंदर और भी कुछ अगर बनाना है, जैसे मान लो मेरे को इसके अंदर स्फेयर लगाना है, यहां पे स्क्रू वगैरह लगे हुए हैं यहां पे, ठीक है। मैंने यहां पे स्क्रू लगा दिया, स्क्रू का कलर थोड़ा चेंज कर दो जैसे विजिबल हो आपको, ऑटो ग्रिड ऑन करके दोबारा बनाएंगे स्फेयर को। ऑटो ग्रिड ऑन नहीं था तो स्फेयर सही बनानी है। इस तरह से मैंने यहाँ पे ये यहां पे स्क्रू बना दिया, ओके कर दिया। कंट्रोल के साथ दोनों को सिलेक्ट किया, दो स्क्रू उधर भी बना देता हूं, से यहां पे। वैसे तो मैं कोई ना कोई यहां पे टेक्सचर डालूंगा, बट अभी टेक्सचर नहीं है तो ये आपको प्रॉपर्ली विजिबल होते रहे, इसलिए मैं थोड़ा इसका कलर चेंज कर रहा हूं। अब इनको सबको सेलेक्ट किया कंट्रोल के साथ, देन इनको ग्रुप कर दिया, इनको सबको मैंने ग्रुप कर दिया। देन अब आप उसको उसकी दो या तीन जितनी भी आपको कॉपी चाहिए, यहां पे जैसे दो कॉपी ही हो पाएगी तो यहां दो कॉपी कर लेता हूं इसकी मैं, ओके किया, ठीक है। दो या फिर आप एक कॉपी और कर सकते हो, उसके अंदर चली जाएगी एक कॉपी आपकी, ठीक है। अब आपने इन चारों को एक साथ सेलेक्ट किया, इस तरह से मैं चारों को सेलेक्ट किया और यहां से मैं इसको रोटेट करता हूं 90 डिग्री के एंगल पे और शिफ्ट के साथ करता हूं तो कॉपी भी हो जाएगा, कॉपी हो गया, ओके किया। अब लेफ्ट व्यू से देखो इसको, लेफ्ट व्यू में कुछ ऐसा विजिबल हो रहा है, फ्रंट व्यू से देखो एफ प्रेस किया, फ्रंट व्यू से कुछ ऐसा विजिबल हो रहा है, ठीक है। यहां से मूव टूल को पकड़ा मैंने, इसको मैं ऊपर लेके आऊंगा इस तरह से, और यहां पे आप वायर फ्रेम को डिफॉल्ट शेडिंग कर लो, आपको पता चलता रहेगी कहां पे चल रहा है एग्जैक्टली, ये पोजिशन है इसकी, ठीक है। इसकी एक आधी कॉपी अगर आपको और इंक्रीज करनी है तो एक कॉपी एक दो कॉपी और कॉपी सोल्व कर सकते हैं, यहाँ पे दो कॉपी सोल्व कर ली मैंने, फ्रंट व्यू प्रेस किया। ये देखो इसका जो स्क्रूज है उस तरफ आ रहे हैं, स्क्रूज जो आपके बाहर की तरफ आने चाहिए,
इसको सेलेक्ट किया और वापस इसको रोटेट करो इस तरफ, रोटेट कर लिया मैंने। देन अब देखो आपको थोड़ा आइडिया से रोटेट करना पड़ेगा, ये तो यहां कर लिया, अब स्नैप को बंद कर दिया, अब थोड़ा आइडिया से रोटेट किया और यहां बेंच पे आपको लगाना है इसको। पर्सपेक्टिव में देखो तो कुछ ऐसा विजिबल होगा आपको इस तरह, ठीक है। तो मेनली जो ये शेप है ये कहीं पे भी बनी हुई नहीं मिलेगी आपको। तो आपको कैसे 2D का यूज करके इस शेप्स को क्रिएट किया मैंने, पहले 2D की ये शेप बना ली, इसका क्रॉस सेक्शन बना लिया, देन उसको एक्सट्रूड कर दिया, देन दो ऑब्जेक्ट्स बना लिए मैंने और यहाँ पे इस तरह से इसको पूरा क्रिएट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आपका वर्कबुक के अंदर भी इस तरह की एक्सरसाइज देखो गिवन है, ठीक है। इस तरह की जो शेप है इसके अंदर देखो ये ज्यादा कर्व हो रखा है यहाँ से, तो आप ज्यादा कर्व भी कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है। तो 2D के कौन कौन से टूल्स है उनके बारे में और मैं बताता हूँ आपको। वापस से चलते हैं टॉप व्यू के अंदर। टॉप व्यू के अंदर जैसे आप चल रहे थे लाइन के अंदर, यहाँ पे पहला ऑप्शन आ रहा है आपका लाइन। ऑटो ग्रिड को मैं बंद कर लेता हूँ। अब लाइन के अंदर मान लो आपने कुछ इस तरह से क्रिएट किया, कॉर्नर टाइप ही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपने इस तरह से क्रिएट किया, ठीक है। अभी आपका लाइन सिलेक्ट है, अब इसको मैं मॉडिफाई करता हूँ। सबसे पहले तो 2D के कोई भी ऑब्जेक्ट को मैं कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकता हूँ, जैसे मैं उसको वर्टेक्स से सेलेक्ट कर सकता हूँ, जैसे देखो अभी मैं इंडिविजुअल वर्टेक्स सेलेक्ट कर सकता हूँ और किसी भी वर्टेक्स को सेलेक्ट करके उसको मूव या कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है। सेकंड आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो सेगमेंट से, सेगमेंट पे मैंने क्लिक किया तो पर्टिकुलरली मान लो आपको इस सेगमेंट को पकड़ना हो, ठीक है, या इस सेगमेंट को सेलेक्ट करना हो तो उसको सेलेक्ट कर सकता हूँ। एंड थर्ड जो मेरा होगा, थर्ड जो है मेरा पूरा एसपी लाइन को मेरे को सेलेक्ट करना है। अब क्या होगा आपकी पूरी, जैसे ही मैं क्लिक करूंगा पूरी एसपी लाइन आपकी सेलेक्ट हो गई, अब जो भी करोगे पूरा एसपी लाइन के अंदर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि आप वर्टेक्स को कंट्रोल कैसे करोगे। वर्टेक्स को मैंने मान लो यहां से पहले क्लिक किया, देन वर्टेक्स को मैंने सेलेक्ट किया, इसमें मैंने राइट क्लिक किया तो देखो यहाँ पे चार ऑप्शन आते हैं आपके, बीजियर कॉर्नर और स्मूथ। तो बीजियर कॉर्नर पे मैं क्लिक करता हूँ, इसमें मैंने क्लिक किया, एक सेकंड देखो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको मेन मेन्यू में जाना है, राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा एक्सिस कंसंट्रेट्स, इसमें मैंने क्लिक किया, ये देखो ये आपका आ गया। अब ये एक्स साइड पे आ रहा है, इसको वाई साइड पे सेट कर लो आप, ठीक है, इसको यहाँ पे रख लो आप। अब इसमें मैंने राइट क्लिक किया और यहां से बीजियर कॉर्नर पे क्लिक किया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे दो वर्टेक्स पॉइंट आ रहे हैं, तो मैं इसको यहां से भी कंट्रोल कर सकता हूं और मैं इसको यहां से भी कंट्रोल कर सकता हूं, जिस तरह की आपको 2D शेप चाहिए उस तरह से आप इसको कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। तो दो पॉइंट से मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूं। वापस से राइट क्लिक करता हूं, सेकंड ऑप्शन मेरे पास आता है बीजियर, बीजियर पे आप क्लिक करते हो तो आप एक साइड से इसको देखो यहां से पकड़ोगे तो भी पूरी शेप कंट्रोल हो रही है, ये मतलब एक हैंडल हो गया पूरा, एक साथ उधर उधर भी कंट्रोल कर रहा है, इधर भी कंट्रोल कर रहा है, या इधर से पकड़ोगे तो वो ऑटोमेटिकली उधर भी कंट्रोल करेगा और इधर भी कंट्रोल करेगा, ठीक है। उसके बाद में वापस से इस पे, एक सेकंड, वापस से मैं इस पे राइट क्लिक करता हूँ, देन नेक्स्ट कॉर्नर पे क्लिक करता हूँ तो आपके इस तरह से कॉर्नर आ जाएगा। कॉर्नर को तो आप नॉर्मली इस तरह से नॉर्मली वर्टेक्स को पकड़ के भी आप इस तरह से कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद राइट क्लिक करूंगा तो आपका कंप्लीट स्मूथ मिल जाएगा आपको, स्मूथ में भी आप जिस तरह से आपको कंट्रोलिंग करनी हो उस तरह से आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। तो राइट क्लिक करके ये चार ऑप्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इसके अंदर, इन पे आप एक बार हाथ से पूरा प्रैक्टिस करके देखिए ये 2D की शेप्स को जो कैसे कंट्रोल करते हैं, बीजियर कॉर्नर और स्मूथ, ठीक है। उसके बाद जैसे आप लोगों ने जैसे ऑटोकैड के अंदर किया था, जैसे मान लो यहाँ पे मेरा कॉर्नर कर देता हूँ, ठीक है, ऑटोकैड के अंदर यहाँ पे अपने फिलेट प्रोवाइड करते थे, है ना, या चैम्फर प्रोवाइड करते थे, तो वो चीज इसके अंदर भी वो चीज प्रोवाइड कर सकते हो आप। यहाँ से आपने मॉडिफाई किया, ये देखो यहाँ से इस टैब को थोड़ा सा बड़ा कर लो आप। अब इसके अंदर इतने सारे ऑप्शन है, ठीक है, लाइन कमांड के अंदर ये देखो इतने सारे ऑप्शंस हैं, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, काफी सारा काम इसके अंदर कर सकते हैं, बट देखना है कि अपने काम का जो है वो कितना है, कैसे इसको यूज में लेना है, ठीक है। तो अभी बात करते हैं फिलेट की, फिलेट को ढूंढते हैं इसके अंदर, ये यहाँ पे आ रहा है आपका फिलेट, ठीक है। तो इस पॉइंट पर अगर आपको फिलेट प्रोवाइड करना है तो यहाँ पे आपने फिलेट पे क्लिक किया, देन क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको वैल्यू बढ़ानी है, जितना भी आपको फिलेट चाहिए इस तरह से मैं इसको फिलेट कर सकता हूँ, ठीक है।
कंट्रोल जेड करता हूं मैं वापस, ये देखो इस तरह से आप यहां से पकड़ के ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, यहां पाए, ठीक है, लेफ्ट क्लिक यहां प्रेस करके रखा, सॉरी फिलेट मेरा यहां से पहले इसको सेलेक्ट करना, ऑन करना फिलेट को, इससे बाहर आने के लिए आप यहां पे क्लिक करो, कंट्रोल जेड कर दो, आपको जिस पिछले स्टेप्स पे जाना है तो ये वाले स्टेप पे जाना है, यहां से मैंने वर्टेक्स को चूज किया, मॉडिफाई किया और यहां से आपने वर्टेक्स को चूज किया, वर्टेक्स को पकड़ा मैंने और यहां पे मैंने फिलेट पे क्लिक किया, फिलेट पे क्लिक करने के बाद देखो ये यहां पे इस तरह से इसको भी दिखाता है, तो यहां पे क्लिक करके भी आप इसको इस पॉइंट के ऊपर जाके क्लिक करके इसको इस तरह से भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। और मान लो मेरे को चैम्फर करना है, चैम्फर पे मैंने क्लिक किया, तो यहां से आप इस तरह से इसको चैम्फर भी कर सकते हो, चैम्फर में इस तरह से लाइन आती है और उसके अंदर उस तरह से कर्व आता है, ठीक है। उसके बाद यहां पे एक ऑप्शन आता है कि आपको अगर मान लो इसके वर्टेक्सेस को डिलीट करना हो या नए वर्टेक्सेस ऐड करने हो तो वो काम कैसे करोगे। जैसे मान लो अभी मेरा ये फिलेट मैंने इस तरह से किया हुआ था, ठीक है, अब आपको लग रहा है कि अभी फिलेट जो है प्रॉपर तरीके से बना नहीं है, इसके अंदर आपको और इसको रिफाइन करना है बेटर तरीके से, तो आप क्या करोगे, राइट क्लिक करोगे, पहले इस कमांड से बाहर आ जाओ, देन आप राइट क्लिक करो और यहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा रिफाइन का, रिफाइन का ऑप्शन मिला, इस पे मैंने क्लिक किया, देन जहां पे भी आपको वर्टेक्स ऐड करना है आप वहां पर वर्टेक्स ऐड कर दो। वर्टेक्स पे ऐड इसलिए कर रहे हैं जिससे मेरे को ज्यादा पॉइंट्स पे कंट्रोलिंग मिल जाए, ठीक है, मैंने वर्टेक्स पे ऐड कर दिया, देन राइट क्लिक कर दिया। अब आप किसी भी वर्टेक्स को सेलेक्ट करो तो पर्टिकुलरली उसके अकॉर्डिंग आप कंट्रोलिंग कर सकते हो। अभी इस पर राइट क्लिक करो और आपको यहां से स्मूथ इसको दे कर दो, तो इस हिसाब से आप इसकी कंट्रोलिंग कर सकते हो, जितने ज्यादा वर्टेक्सेस होंगे उतनी ज्यादा आप कंट्रोलिंग कर सकते हो इसकी, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से जो भी कंट्रोल करना उस तरह से कंट्रोल कर सकते हो। वर्टेक्स को आपको रिमूव करना है तो किसी भी वर्टेक्स को सेलेक्ट किया, नॉर्मली सीधा डिलीट पर क्लिक करना है, ठीक है, तो डिलीट हो जाएगा वो, ऐड करना है तो रिफाइन करके ऐड करना है, ठीक है। तो ये जो छोटी छोटी टर्म्स है ये बहुत ज्यादा काम में आएगी आपकी, वर्टेक्स को आपको ऐड करने के लिए रिफाइन को यूज करना पड़ेगा, ठीक है, कई जगह पर आपका प्रॉपरली शेप जो है कर्व में नहीं मिल रही होगी तो आपको उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको मान लो नॉर्मली कुछ इस तरह का ऑब्जेक्ट बनाना है, इसको मैं डिलीट करता हूं सारा। अब मान लो आप कुछ लाइन से ऑब्जेक्ट बनाने के लिए ट्राई करते हो, आपने इस तरह का ऑब्जेक्ट बनाया, स्ट्रेट लाइन को ऑन कर लिया, यहां पे ऑन कर लिया, यहां पे ऑन कर लिया, इतना आपका ऑब्जेक्ट बना हुआ था। इसके बाद आपको मान लो कोई आपने गलती से उसका एस्केप कर दिया, यहाँ पे एक एलिमेंट और बनाना था, कंप्लीट रेक्टेंगल बनाना था, हालांकि रेक्टेंगल बनाने के अपने पास और भी तरीके हैं, मैं सीधा यहाँ से रेक्टेंगल लेके भी रेक्टेंगल को क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है, उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं। अभी मान लो लाइन से आपने कुछ बनाया है एक एलिमेंट, ठीक है, अब एक एलिमेंट आप अलग अलग से बना रहे हो, ठीक है, तो अपने अलग से तो उसको ऐसे बनाएंगे, यहाँ पे आप क्लिक करोगे, नेक्स्ट आपने लाइन लिया, यहाँ पे आपने क्लिक किया और यहाँ पे आपने क्लिक कर दिया, ठीक है, तो एक्चुअली ये एलिमेंट जो है ये देखो ये अलग सेलेक्ट हो रहा है, ये वाला अलग चल रहा है आपका, और ये वाला जो है वो अलग सेलेक्ट हो रहा है, तो दोनों का सिलेक्शन भी अलग अलग है, तो आप इनको जो है साथ में अटैच कैसे करोगे, साथ में ज्वाइन कैसे करोगे जिससे ये कंप्लीट एक रेक्टेंगल बन जाए, जिससे मैं इसको एक्सट्रूड कर सकूं या कोई भी ऑपरेशन इस पर अप्लाई कर सकूं। ये देखो यहाँ पे भी जो इनका आप वेल्ड कर नहीं सकते क्योंकि दोनों के जो एंड्स हैं वो बिल्कुल अलग अलग विजिबल हो रहे हैं आपको, ठीक है। तो सबसे पहले इसके अंदर आपको क्या करना होता है, आपको इस वाले जैसे मान लो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, इसको मैंने सेलेक्ट किया, इसको मैं मॉडिफाई करता हूँ और यहां से मैं वर्टेक्स को चूज कर सकता हूँ। अब आप क्या होगा कि एक वर्टेक्स तो पकड़ लोगे, इसका वर्टेक्स तो मैंने पकड़ लिया बट इसका वर्टेक्स तो मैं पकड़ ही नहीं पा रहा हूं, तो इन दोनों को मैं वेल्ड कैसे करूंगा, अभी मैं इन दोनों को वेल्ड नहीं कर सकता हूं। तो इन दोनों को अगर आपको प्रॉपरली वेल्ड करना है तो क्या तरीका है, देखो आपको पहले तो इस ज्योमेट्री को किसी भी एक ज्योमेट्री को सिलेक्ट करके रखना है, देन राइट क्लिक करना है कि उसके साथ मेरे को अटैच करना है, ठीक है, यहाँ पे आपको अटैच का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे अटैच का ऑप्शन है, अटैच पे मैंने क्लिक किया और इस पे क्लिक कर दिया तो ये इसके साथ अटैच हो गई। अब देखो ये सारा एक साथ सेलेक्ट हो रहा है, ये देखो एक साथ मूव हो रहा है, एक साथ सेलेक्ट हो रहा है, ये पहला काम हुआ मेरा, ठीक है।
वेल्ड जो करना है वो स्टेप बाय स्टेप करना है। पहले तो क्या करना है आपको, एलिमेंट्स को अटैच करना है, ठीक है। एसपी लाइन को मैंने दोनों को अटैच कर दिया तो ये कंप्लीट एक एसपी लाइन बन गई, ठीक है, एक साथ सेलेक्ट हो रही है। अब देखो कि इन दोनों के कॉर्नर्स जो है, दोनों के जो वर्टेक्स है वो अलग अलग पोजिशन पे है। आपने मान लो यहाँ पे क्लिक करके दोनों वर्टेक्स को सेलेक्ट किया तो ये देखो अलग अलग पोजिशन पे है, तो इनको सेम पोजिशन पे अगर आपको लाना है तो आपको यहाँ पे नीचे जाके ऑप्शन मिलेगा फ्यूज का, आपको इनको करना पड़ेगा सेम पोजिशन पे लाने के लिए फ्यूज। मैंने इनको फ्यूज किया, ये देखो ये सेम पोजिशन पे आ गए, ठीक है। ये वर्टेक्स जो है वो दो के एक नहीं हुए, वर्टेक्स दोनों ही है बट सेम पोजिशन पे है। ये देखो यहाँ से आपने इसको सेलेक्ट किया हुआ है तो देखो यहाँ पे दिखाएगा आपको टू वर्टेक्स सेलेक्टेड, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा बड़ा कर लेना, इसमें 2D में काम करो तो, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन हैं 2D के अंदर। यहाँ पे देखो दिखा रहा है टू वर्टेक्स सेलेक्टेड, यहाँ पे वर्टेक्स दो ही है। अब अगर मैं जाके इनको वेल्ड कर देता हूं, यहां से मैंने इनको कर दिया वेल्ड, वेल्ड कर दिया मैंने। अब देखो अब यहां पे क्या होगा, अब यहां पे सिर्फ एक ही दिखा रहा है वर्टेक्स, ठीक है। तो यहां पे मेरा प्रॉपरली तरीके से वेल्ड हो गया है। सिमिलरली मान लो आप यहां पे तो प्रॉपरली वेल्ड कर देते हो, यहां पे आप छोड़ देते हो तो क्या होगा, जैसे मान लो मैं पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके कॉपी कर लेता हूं, इसकी शिफ्ट के साथ मैंने इसको कॉपी कर लिया, ओके किया। अब देखिए इसके अंदर कि इसके अंदर अपन ने यहां से जो है वेल्ड नहीं किया था, खाली छोड़ दिया था, ठीक है। और यहां से मैं प्रॉपरली वेल्ड कर लेता हूं, पहले अटैच आपका ये हो रखा है। यहां से सबसे पहले आप मॉडिफाई में जाके वर्टेक्स पे क्लिक करो, ठीक है। सिलेक्शन का अच्छे से ध्यान रखना, सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्टेक्स पे क्लिक करने के बाद ही फ्यूज लगेगा, फ्यूज इन दोनों को सेम पोजिशन पे ले आएगा। देन मैं पहले इसको फ्यूज करता हूँ, सेम पोजिशन पे आ गए, फिर मैं वेल्ड पे क्लिक करता हूँ, देन मैं इसको वेल्ड कर देता हूँ। ये मेरा वेल्ड हो गया, ठीक है। तो इस वाली ज्योमेट्री के अंदर आप मान लो कोई भी मॉडिफायर लगाते हो, जैसे एक्सट्रूड पे भी अपन ने यूज किया था, एक्सट्रूड लगाते हैं तो इसके अंदर देखो पर्सपेक्टिव व्यू में जाके कि प्रॉपर तरीके से आपका एक्सट्रूड लग रहा है। इसका अमाउंट आप चाहे जितना भी दे सकते हो, ठीक है। अगर आपको मान लो स्टार्ट कैप हटानी है तो ये वाली कैप हट जाएगी, सॉरी इसके नीचे से देखो ये कैप हट गई है, ठीक है। आप चाहो ऊपर से कैप हटाना, ऊपर से भी कैप हट जाएगी, इस तरह से आ जाएगा ये मेरा, ठीक है। और आप चाहते हो कि इसके अंदर आपका मान लो जो है कुछ थिकनेस आपको चाहिए तो थिकनेस के लिए भी आपके पास मॉडिफायर है। यहाँ पे मॉडिफायर में जाओगे और शेल लगाओगे, शेल लगाया मैंने, क्लिक किया तो देखो यहाँ पे कुछ थिकनेस आ गई। थिकनेस आपको इनर अमाउंट की इंक्रीज करनी है तो इनर अमाउंट को इंक्रीज कर दो, तो इनर अमाउंट को मैंने इंक्रीज कर दिया, ठीक है। अगर बाहर की तरफ से आपको इंक्रीज करना है तो मैंने आउटर अमाउंट को इंक्रीज करना है, आउटर को मैंने इंक्रीज कर दिया। तो इस तरह देखो आपकी यहाँ आपकी थिकनेस भी आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप चाहो तो इसको सॉलिड भी कर सकते हो, जैसे मान लो मैं नीचे से इसको यहाँ पे कैप लगा देता हूँ, एक्सट्रूड पे यहाँ पे जाता हूँ एक्सट्रूड में, और यहाँ पे नीचे की तरफ स्टार्ट का जो है कैप मैंने प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। तो इसमें आप ये प्रोवाइड कर सकते हो, बट अगर इसमें अगर आपके प्रॉपरली ज्वाइंट नहीं है तो आपका देखो ना, तो आप इसमें थिकनेस प्रोवाइड कर सकते हो। इसको आपने सेलेक्ट किया और यहाँ पे आप मैं एक्सट्रूड लगाता हूँ, यहाँ पे मैंने एक्सट्रूड लगाया तो देखो एक्सट्रूड किस तरह से हो रहा है, एक्सट्रूड जो है एकदम इस थिकनेस की तरह हो रहा है आपका, ठीक है। इसमें आप जो है स्टार्ट कैप और एंड कैप नहीं दे सकते हो, क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि इसके अंदर जो है यहां से प्रॉपरली जॉइंट नहीं है। इसके अंदर आपका जो हुआ था वो क्या हुआ था, वो कंप्लीट एक बॉक्स की तरह आपका वर्क कर रहा था, इस तरह से कंप्लीट इस तरह से वर्क कर रहा था। ये कंप्लीट इस तरह से वर्क नहीं करेगा अगर आपका आपस में ज्वाइन नहीं होगा तो, कंप्लीट एक्सट्रूड नहीं होगा, ठीक है। तो आज आप लाइन कमांड के बारे में ही जितना भी मैंने टूल्स बताए आपको उनके सबके अच्छे से करो प्रैक्टिस, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के अंदर आपका रेक्टेंगल, सर्किल, एलिप्स और जो जो 2D शेप्स हैं उनके बारे में बात करते हैं, ठीक है। एक आप छोटी सी एक्सरसाइज जो है ये वाली भी एक्सरसाइज आप ट्राई कर लेना इसके अंदर, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास के अंदर देखते हैं, चलिए करते हैं।